हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू आवर गेमिंग चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज की वीडियो है आउटलास्ट के ऊपर, तो जल्दी से इसकी सेटिंग देख लेते हैं। ये रहे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, तो अभी इस सिमुलेटर को रन करते हैं। ये हो गया सिमुलेटर स्टार्ट। ये वाली गेम भी मैंने इंस्टॉल की थी, स्टेट ऑफ डीके, बट ये वाली गेम चल नहीं रही है, मैं वो भी बता दूंगा आप लोगों को। पहले हम लोग टेस्ट कर लेते हैं स्टेट ऑफ डीके, फिर आउटलास्ट गेम हम लोग टेस्ट करेंगे। तो ये रहे स्टेट ऑफ डीके, ये मैंने इसको ओपन प्रेस किया बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इस गेम को मैंने अपने लैपटॉप में खेला था तो काफ़ी स्मूथ चल रहा था, कोई इशू या कोई एरर नहीं आ रहा था। हालांकि सेम सॉफ्टवेयर दोनों ही प्लेटफॉर्म इंस्टॉल किए हैं मैंने, मोबाइल में भी वही रेडिस्ट्रीब्यूटेबल्स मीन्स ये वाले जो है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++। देखो गेम तो ओपन नहीं हुआ, इसको तो छोड़ देते हैं। अब चलते हैं आउटलास्ट की ओर। ये रही आउटलास्ट, इसको आपको लॉन्चर से जो है गेम लॉन्च करना पड़ेगा। ये डबल टैप, ये ओपन, तो ये हमारा गेम अभी लॉन्च होगा। ये स्टार्ट हो गया है लॉन्चर। ये ऐसे कुछ इसमें कोडिंग आती है पहले, ये पूरा आपका सेटिंग्स बताएगा। ये रही सेटिंग्स, ये रही गेम हमारी लॉन्च हो चुकी है। ये खुद ही से आती थी बट अगर नहीं आए तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, अभी आ जाएगा। शायद ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से थोड़ा लेट हो या क्रैश भी हो सकती है, बट मैंने उसको हाफ एन आवर के ऊपर भी ट्राई किया था तो कोई क्रैश तो नहीं हो रही थी और कोई ग्राफिक का ग्लिच भी नहीं था। गेम काफ़ी अच्छे से चल रहा था बट FPS बहुत स्लो था। ये देखिए गेम रन हो चुकी है, ये इसका पूरा बैकग्राउंड में आपको सेटिंग्स आपको बता रहा है। और ये गेम हमारी फाइनली लॉन्च हो चुकी है। हम लोग कंट्रोल्स ऑन कर लेते हैं, ये रही कंट्रोल्स। ये रही गेम, सेटिंग्स में आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि गेम कभी कभार स्टक हो रहा है सेटिंग्स में, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स तो लो ही है। चलिए हम गेम शुरू करते हैं, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो हो जाता है। नॉर्मली 10-15 FPS आ रहा था बट अभी मे बी 5 तक आएगा। तो हम लोग अभी दूसरे वाले मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि हमारे पहले वाले मोबाइल में मेमोरी ख़त्म हो गई है तो इंटरनल स्क्रीन रिकॉर्डिंग रुक गई थी। तो ये देखिए आप लोग FPS 20 तक टच हो रहा है, ये फोकस नहीं हो रहा है। काफ़ी बढ़िया कैमरा है, 50-50 मेगापिक्सल के कैमरे हैं और ये फोकस। तो चलिए थोड़ा गेम प्ले कर लेते हैं जल्दी से। तो इधर से जाना है हम लोग को, लेफ्ट माउस बटन, क्या वाह, तो खुद ही खुल गया। तो गेम प्लेबल कह सकते हैं क्योंकि 20 FPS तक टच हो रहा है और ये 7.7:8 में इस तरह से चल रहा है तो ये आपको ईजिली 30 FPS टच कर देगा अगर आपके पास 888 या 870 होता है। तो ये हम लोग रन कर रहे हैं, शायद ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा। अरे हम लोगों ने कैमरा ऑन कर लिया था तो दरवाज़ा तो खुल नहीं रहा है, तो अभी क्या करें? तोड़ दो दया, दरवाज़ा तोड़ दो, शायद यहाँ पर कुछ है। ये वाली गेम मैंने नहीं खेली है अब तक, ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे इसका कुछ भी आइडिया नहीं है कि कहाँ से जाना होता है, क्या है, कहाँ से है, क्या नहीं। मुझे तो याद है कि लास्ट टाइम मैंने यहीं से दरवाज़ा खोला था। तो फाइनली हम लोग को रास्ता मिल गया है, यहाँ से हमको झुक के जाना है, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉच। चलिए अब हम भाग सकते हैं, इधर
बताओ खुलेगा कि नहीं खुलेगा। नहीं ये भी नहीं खुलेगा भाई, सभी रास्ते आपके लिए बंद कर दिए हैं ताकि गेम आप खेल ना सको। ये तक क्या हम पढ़ रहा टी वी क्या जूम इन, हाँ ठीक है मालूम है चलो। अच्छा तो यहाँ से सीढ़ी चढ़ेंगे, बट तो ऐसे ही रहा है। चढ़ भाई ऊपर चढ़, ठीक आ जाएगा यहाँ पे जाना होंगे जंप करने के लिए। पूरा भगवा हमको ट्रेनिंग दे रहा है। अभी रुक जा रुक जा, अभी यहाँ पे हम रखें, चलो जंप बढ़िया बहुत अच्छे। यहाँ पे जंप करना होगा, ठीक है चलते जा भाई। कहाँ पर है रास्ता? आधे घंटे के गेम प्ले के बाद हमको अभी भी रास्ता नहीं मिल रहा है। यहाँ से पता नहीं ऊपर क्यों चढ़ा था हम लोग, बट यहाँ पे तो कोई रास्ता ही नहीं है। ये ऊपर चढ़ने का क्या मतलब कुछ समझ नहीं आया। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ से हमने जंप की थी, ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ऊपर चढ़े, यहाँ से कोई रास्ता ही नहीं है, तो ऊपर चढ़ने का क्या मतलब। देख कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं, चढ़ा क्यों यहाँ पर। देख के चल भाई, अब क्या करना है? यहाँ से नीचे कूदना है क्या? कुछ है ही तो नहीं। ओके ठीक है, सॉरी गाइस मुझे नहीं दिख रहा था, मैंने अपना चश्मा।